जनपद संभल के बनियाखेड़ा विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी का हुआ स्थानांतरण। नए खंड शिक्षा अधिकारी ने कार्यभार ग्रहण किया। आपको बता दें कि जनपद संभल की चंदोसी के बनियाखेड़ा विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी मजहरुल इस्लाम का स्थानांतरण असमोली विकास खंड के लिए हो गया है, जबकि बनियाखेड़ा विकास में गुन्नौर के खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे कमलराज को भेजा गया। आज मौलागढ़ में स्थित बीआरसी पर पुराने खंड शिक्षा अधिकारी की विदाई तथा नए खंड शिक्षा अधिकारी के स्वागत के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें काफी शिक्षकों ने भागीदारी की। इस मौके पर मजहरुल इस्लाम ने कहा कि जब मैं यहां पर आया था तब विद्यालयों की तस्वीर कुछ और थी, लेकिन आज कुछ और है। इसके लिए सभी शिक्षकों ने काफी मेहनत की। वहीं नए खंड शिक्षा अधिकारी कमलराज ने कहा, मैं शिक्षकों के सहयोग के लिए सदैव तैयार हूँ। यहाँ का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। टीचर बहुत ही अच्छे मेहनत से काम करने वाले। मिशन प्रेरणा ऑपरेशन कायाकल्प में बहुत ही जबरदस्त काम किया, और ये सब हमारे अध्यापकों की ही मेहनत का नतीजा है जो हमारे विकास खंड का मंडल लेवल तक नाम हुआ है। एक बार पुनः मैं जो अपने अध्यापकों का जो धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो मुझे पूरा सहयोग दिया और पूरी मेहनत की, अपने 100% से भी अधिक दिया, जो विकास क्षेत्र आज इस लेवल पर पहुँचा है। जैसे कि जब आप हमारे ब्लॉक में आए थे बनियाखेड़ा में, तो उस समय स्कूलों की हालत कुछ अलग थी और आपके आने के बाद कुछ स्थिति बहुत बेहतर हुई, इसमें क्या कहेंगे आप? हाँ, जब मैं जून 2017 में यहाँ आया था तो स्कूलों की हालत कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं थी। ऑपरेशन कायाकल्प का तो कार्य बाद में आरंभ हुआ है। शालिनी जी, SR जी हमारे साथ हैं, हम लोगों ने बहुत सारी मीटिंगें की थी। प्रोजेक्ट एक हमने चलाया था, एक बेहतर विद्यालय की संकल्पना, उसको शायद आप लोगों ने कवरेज भी की होंगी एक दो मीटिंग। न्याय पंचायत स्तर पर हमने बहुत सारी मीटिंगें की थी, और सबसे पहले मैंने अपने यहाँ के जो दोनों विद्यालय थे, नवालागढ़ 1st और 2nd, इन्हीं को जो सही कराया था। और देखा होगा आपने, ऑपरेशन कायाकल्प से पहले ही ये जो दोनों विद्यालय जो अच्छे विद्यालय की श्रेणी में आ चुके थे, और बहुत सारे विद्यालय भी ऑपरेशन कायाकल्प से पहले ही अच्छी हालत हो चुकी थी। अच्छा, मैंने अपने लेवल से जो सचिवों से संपर्क किया, BDO साहब से भी जो संपर्क बराबर किया, मिलता रहता था, कुछ सचिवों से मेरे जो मित्र का संबंध थे, मेरे मित्र भी रहे हैं, कुछ मेरे पढ़ाए हुए भी सौभाग्य से सचिव यहाँ रहे, तो उनका सहयोग मिला, तो इस तरह से जो बहुत अच्छा काम हो पाया पहले की अपेक्षा। आपने बनियाखेड़ा ब्लॉक में पोस्टिंग करने के बाद में बहुत सारी चुनौतियाँ और बहुत सारे विरोधों को झेला, उसके लिए क्या कहेंगे? मेरा कार्य करने का तरीका एक ही रहा है, हमारे किसी भी अध्यापक को परेशानी ना हो और मेरी कलम से किसी भी अध्यापक का अहित ना हो, इसी का मैंने पूरा प्रयास किया। और शायद कोई अध्यापक कह नहीं पाएगा कि डिप्टी साहब से मुझे जो है नुकसान पहुंचा। शासन की जो विभिन्न योजना है, ऑपरेशन कायाकल्प, मिशन प्रेरणा, उसको आगे गति दी जाएगी, ठीक है, और शिक्षकों की अगर कोई लंबित कार्य होंगे उन्हें तत्काल समाधान किया जाएगा। अच्छा, आप गिन्नौर से आए हैं, जी गतिविधियों से कैसा महसूस कर रहे हैं? कुछ नहीं, अच्छा ब्लॉक है, अच्छे अच्छे अध्यापक हैं। क्या शिक्षकों के लिए क्या संदेश देंगे आप? हमारे विभिन्न जो योजनाएँ चल रही हैं उसके संदर्भ में मेरा सहयोग करें और मेरा सहयोग लें।